नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तक हुए मतदान और परिणामों से एक बात साफ हो गई है कि इस बार जनता साफ छवि और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही है। एराइज न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की ओराई पंचायत, जहां से अली अख्तर मुखिया प्रत्याशी हैं। अली अख्तर इलाके के बड़े समाजसेवी हैं। वो पंचायत के लोगों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अली अख्तर कहते हैं कि अगर जनता ने उन्हें मुखिया बनाया तो वो पंचायत में विकास की नई इबारत लिखेंगे। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, एराई न्यूज में स्वागत है आपका। आज सिवान जिला प्रखंड बड़हरिया पंचायत ओराई में पहुंचे हुए हैं। यहां का भावी मुखिया प्रत्याशी अपने पंचायत में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेरे सामने यहां पे भावी मुखिया प्रत्याशी मेरे सामने उपस्थित है, इनसे आप परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। अली अख्तर जी। जी, अपने पंचायत में चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हमारे पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ और हमारे पंचायत का बहुत ही दुर्दशा है। और हमारे नौजवान साथियों ने हमें कहा कि आप आगे आइए और जो है अपने पंचायत के लिए काम कीजिए। आपके जनता आपकी बार आपको ताज के माला पहनाने के काम करेगी, तो किस तरह से पंचायत को अपने जनता का प्रति देखने का काम करेंगे? सबसे पहले हम जो है सड़क और नाला का काम करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। जी जी जी। और नौजवान साथियों के लिए, खेल के लिए, स्पोर्ट के लिए, जिम के लिए हम काम करेंगे। जी जी जी। अगर जनता आपकी बार आपको मान लीजिए अपने पंचायत में जिताने का काम करती है, तो किस तरह से आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे? आदर्श पंचायत बनाने के लिए जो भी सरकार की जो है योजनाएं हैं, उसको हम जमीन पे लाने का काम करेंगे। जी जी। आपकी बात, गरीब मजदूर व्यक्ति आपके साथ अगर वोट देकर जिताने का काम करती है, तो किस तरह से देखने का काम करेंगे अपने पंचायत में? अपने पंचायत में हर जनता का, जी जी, हर आदमी के लिए एक बराबर काम और जो जहाँ जरूरत है उस चीज के लिए उसको काम किया जाएगा। जी जी जी। कोरोना जैसे महामारी बीमारी में आपके तरफ से आपके पंचायत में किस तरह से लोगों को वैक्सीन के बारे में समझाने का प्रयास किए थे? लोगों को जो है जहाँ तक हमें जो जानकारी था, हमने हर लोगों को जानकारी दी और अपने तरफ से हमने मास्क, साबुन जो है लोगों को बांटा और लोगों को बताया कि इससे बचे और इससे जो है दूर रहे। जी जी। आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन हुआ, पीएम आवास हुआ, इंदिरा आवास, पीएम आवास हुआ और राशन कार्ड की क्या स्थिति है? बहुत ही खराब स्थिति है। क्या आपने जीतेंगे तो सारे व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे काम हुए हैं लेकिन कागजों में हुए हैं। जी जी। जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। क्या अभी तक आपके देखने से अपने पंचायत में नल जल योजना का काम कैसा हुआ है? अधूरा हुआ है। क्या आपने इस चीज को अपने जीतेंगे तो क्या पूरे कामों का अपने देखने का काम करेंगे अपने पंचायत में? बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से उसको जो है जमीन पे काम किया जाएगा। जैसे शिक्षा का स्तर हुआ, आपको खेल कूद का मैदान किस तरह का है आपके पंचायत में? शिक्षा तो ठीक है, स्कूल वगैरह है, लेकिन जो है उसमें टीचर वगैरह टाइम से नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। और खेल कूद के लिए कुछ है नहीं, एक मैदान भी है तो वो जो है ऐसे है जैसे खेलने के काबिल नहीं है। जी जी। आपने पंचायत में आप युवा एक नेता हैं, युवाओं के लिए क्या सोच बना रखे हैं? युवाओं के लिए जो है बहुत अच्छा सोच है, इनके लिए स्पोर्ट हो, ठीक है, जिम की व्यवस्था किया जाए, एक जो है फोन बनाया जाए उसमें जिम की व्यवस्था किया जाए। जी जी। क्या आपकी बार आपने जानता आपकी बार आपको इस बात का ताज के माला पहनाने के काम करेगी, तो किस तरह से जनता को अपने पंचायत में सजाने का काम करेंगे? जनता को पंचायत में जो है हर काम उस तरीके से किया जाएगा जिस तरह से होना चाहिए। अभी हम जो है सबसे पहले जो है ये देख रहे हैं आप जो है नाला का और सड़क का सबसे ज्यादा दिक्कत है, लोगों की दुश्वारी है। उसके बाद जो है हम मिनी ब्लॉक एक लाने का काम करेंगे, जो है हम अपने एमपी एमएलए के माध्यम द्वारा जहां तक हमारा प्रयास होगा संभव होगा हम जो है जनता के लिए काम करेंगे। क्या जनता आपकी इस बात देकर जिताने का काम करेगी, तो गरीब मजदूर को किस तरह देखने का काम करेंगे? गरीब मजदूरों को जो है मनरेगा के तहत जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। जी, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, पीएम आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, स्थिति को बेहतर बना हुआ है उसको किस तरह से करने का काम करेंगे? हम ग्राम सभा करेंगे और जहाँ जिसको जो जरूरत होगी उसको जो है दिया जाएगा। जी जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, एराइव न्यूज में अपने पंचायत के जनता को लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने ओराई पंचायत के जनता से ये अपील करेंगे कि आप लोग जो है जाति धर्म से हटकर और जो है अच्छे को और सच्चे को चुने, आप हमें जो है मत दें और हमें विजयी बनाएं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
मेरे सामने यहाँ पब्लिक मौजूद है, देखते हैं किस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी को अली अख्तर जी को किस तरह से जिताने का काम करेंगे। अपना नाम बताएं। जी एमडी सैफ खान, मेरा नाम सैफ खान है। जी जी, आपकी भावी मुखिया प्रत्याशी अली अख्तर ने पंचायत चुनाव लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या इनको आप वोट देंगे? जी जी बिल्कुल, हम लोग पूरे इनके साथ हैं, पूरे हम लोग कदम से कदम मिला के हैं, जो भी जहाँ मतलब हम लोग से होगा पूरा हम लोग खुलकर इनके साथ हैं। जी जी बिल्कुल, क्या ये जीतेंगे तो देखने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, पूरा पूरा डेवलप होगा मेरे गाँव में, पूरा पंचायत में डेवलप होगा। जो अभी प्रेजेंट में हमारे गाँव के मुखिया थे वो कुछ नहीं किए, ना स्वास्थ्य, ना नाला नाली, कुछ भी मतलब रोड के लिए कुछ भी काम नहीं आज तक, मतलब उनको तो कोई बच्चे भी नहीं जान रहे मेरे गाँव के मुखिया कौन है। अपना नाम बताएं। अभी अली अख्तर को किस तरह से अपने पंचायत में भावी मुखिया के प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? जैसे पहले के जो मुखिया थे वो पहले रह चुके हैं, कुछ नहीं कर पाए, अभी के भावी प्रत्याशी, लेकिन हम इनको बहुत अपने दिल से चाह रहे हैं और लोगों से भी अनुरोध है कि इनको जिताए और देखें इनके भावी प्रत्याशी अपने से ये क्या करते हैं दुनिया के लिए, मैंने ये गाँव के लिए नाला रोड ये सड़क अभी तो कुछ नहीं बन पाया, लेकिन ये जीतेंगे तो इंशाल्लाह जरूर है कि बनाएंगे। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इसे भी पर्चे लेना चाहेंगे। अपना नाम बताए। ऐसा नाम। अभी मुखिया जी को आपने जिताएंगे, क्या मुखिया जी आपके पंचायत में काम करेंगे? जी काम करेंगे ना। किस तरह से काम करने का काम करेंगे? इसलिए कि रोड वोड बनवाएंगे, इसलिए इसके साथ में इसलिए हम लोग सहयोग दे रहे हैं, जीतेंगे तो जरूर काम करेंगे। अच्छा अच्छा, मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इसे भी पर्चे लेना चाहेंगे। अपना नाम बता। ये मुन्ना मेरा नाम है। जी जी, मुखिया जी के हम लोग बहुत मतलब बहुमत से जिताने की कोशिश कर रहे हैं, काम के लिए बहुत काम यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, नाला वाला है, रोड है, ये सब के लिए विकास। क्या नल जल का पानी आप लोग को मिलता है? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे नल जल का लगा है, लेकिन पानी होने का कुछ व्यवस्था। कितना दिन से पानी नहीं? कौन नंबर वार्ड है यहाँ पे? एक नंबर वार्ड है, एक नंबर वार्ड से हम लोग है, मुखिया जी एक नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। जी जी, यहाँ पे अली अख्तर ने भावी मुखिया प्रत्याशी से अपने पंचायत में दावा कर रहे हैं मुखिया पद के लिए, क्या इन्हें जीतेंगे तो अपने पंचायत में काम करेंगे? इनमें काम करने की लगन काफी है, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो रात में खबर करता है तो ये पहुँच जाते हैं, अगर किसी की मवेशी की बीमार होती है वो खबर करता है तो पहुँच जाते हैं। माने शुरू से समाज सेवा करने के काम में काफी लगन है, घर का काम छोड़कर ये समाज सेवा करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। क्या जीतेंगे तो क्या ये काम करेंगे गरीबों के लिए? इनकी लगन देखकर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह अक्षरशः 100% इनमें काम करने की क्षमता है और ये काम करेंगे। मोहम्मद साहबुद्दीन जी, अपने भावी मुखिया प्रत्याशी को किस तरह से अपने पंचायत में देखने के चाहते हैं? सर, एक साल से मुखिया जी ने तो पहले जो कोरोना काल में मास्क बांटे, साबुन बांटे, हर घर 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 जो जिसको प्रॉब्लम हुआ हमें जो भी मैंने शुरू से समाज सेवा करने का काम किया। जी 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 सर, इसलिए अपनी बार आप लोग इनको साथ देंगे और जिताने का काम करेंगे। जी सर, क्या जीतोगे तो आप लोग मदद करेंगे? जी जरूर। जी जी, मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। जी नबी आलम खान। हम लोग सारे आदमी जी, अगर जीतते हैं तो अपने विकास करेंगे, अपने पंचायत में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए जनता को अभी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जनता यहाँ का आवाज बोल रही है, आगे भी दिखा। यहाँ का पीसीसी नल का अपने चांदा से लोग सील कर रखे हुए हैं, अभी 5 साल हो गया, यहाँ पे देखा जाए 5 साल के अंतराल में अभी तक यहाँ पीसीसी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ का जनता बोल रही है। अभी यहाँ एक नंबर नल जल योजना का, एक नंबर वार्ड का यह स्थिति है, अभी तक यहाँ का जनता बोल रही है अभी तक पानी नहीं मिला है, इस तरह की स्थिति बनी है। नलका की स्थिति किस तरह से, ये लोग अपने स्तर से यहाँ से चांदा उछील कर ये नलका बनाया हुआ, ये लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं यहाँ का पीसीसी हो जाता तो हम लोग यहाँ का आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती। इस तरह से रात को छोटे बच्चे आते हैं इस रास्ते से और यहाँ पे बूढ़ जवान यहाँ पे आने के बाद इसमें गिर भी जाते हैं, इस तरह से पब्लिक यहाँ का भाषण दे रही है। आपकी बार ये अली अख्तर जी यहाँ का भावी मुखिया प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो नाल का और रोड की कंडीशन ठीक करेंगे। यहाँ पे एक और दो नंबर वार्ड में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे एक महिला उपस्थित है, यहाँ रोड की कंडीशन रखते हुए बात कहेगी, इसे आप परिचय लेंगे। अपना नाम बताएं। नीलम देवी। अभी ये रोड के कंडीशन चाची बहुत खराब बा, आने जाने में दिक्कत है, इसके बारे में क्या कहा के चाहतने? कहे के चाहतने हमनी के बेटा बेटी के बियाह नहीं खेबो को। हां आवत ही परी त कहत आज केसन बैठ जो दो बारे से जे एकनी के बेटी दिखे मैं बेटी पतोई कोनी है सो ये तो कहे के चाहतने माने रोड कैसन मुखिया सरपंच बारे से जे जीत का कुछ न कर सको। अच्छा अच्छा, हाँ तो क्या आपकी बारी रोड बन जाएगा चाहे चाची? हां जैसे बहु पतो आसानी से घर तक पहुंच सके,
वो हिसाब से आप लोगों को चलने आने के दिक्कत हो रहा है। हाँ। नहीं हाँ। माने रोड बनना चाहिए। हाँ, अभी आपने कुछ बदलाव करेगी आपकी पंचायत में? अभी बदलाव चाहिए ना हो तो फेन गरिया फेन तू आइयो। हाँ रोड बनने चाहिए। अभी भावी मुखिया के आप वोट देंगे अली अख्तर जी को? सबको दे ना सबको ये जीतेंगे तो काम करेंगे, रोड के नल का बनाएंगे। हाँ तो बनाइए तो ठीक है, बना बनाइए तो उनको बेटी रोटी कर। इसलिए चाहिए मारे आपको पतो के आने जाने में शादी के दिक्कत हो रही है रोड। हाँ, ये रोड जरूरी है एकदम हित परित कोतर से जे बेट चौधन का के बेटी दी। हाँ 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 जब तक रोड ना बने। हाँ, आप रोड की मांग करेंगे। हाँ, यहाँ पे महिला इस तरह से यहाँ का पंचायती चुनाव के लिए कौन मुखिया जीते हुए है यहाँ पे बोल रही है यहाँ का रोड और नाल का नहीं बना है, उसके लिए इन्हें मांग कर रही है यहाँ पे रोड बन जाएगा, मेरी लड़की पतो आने में शादी होने में ये सुविधा होगी, आसानी से लोग यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। नमस्कार एराई न्यूज में।